तो आज हम एडवांस एक्सेल कोर्स में सीखेंगे चैप्टर 4। इसमें हम टेबल क्रिएटर प्रोग्राम सीखेंगे। टेबल क्रिएटर प्रोग्राम जो है यूआई यूज़र इंटरफेस इसका देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, जैसे 5 लिखा, इंटर करता हूँ तो देखिए मेरा 5 का टेबल आ गया। और देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो यहाँ पर, और इंटर करूँगा तो जो मैं यहाँ पे लिखूँगा उसी का टेबल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसका जो इंटरफेस ऐसा बना हुआ है कैसे हम बनाते हैं। तो मैं ये पहले सीट पर बनाया हुआ हूँ, दूसरी सीट पर फिर से बनाते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे। तो सबसे पहले हम 10 रोज़ को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टेबल्स होते हैं वो 10 टाइम्स होते हैं। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉलम्स ले लेंगे, 5। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद हम इसमें देखिए बॉर्डर लगाएंगे, ऑल बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा इसको सेटअप कर लेते हैं, इसकी वेट को, सभी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसकी वेट को हम करेंगे तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 खानों को सिलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज करेंगे, मर्ज कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे टेबल नंबर, टेबल नंबर लिख देंगे। और आगे देखिए 2 बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, सेल को, और मर्ज करेंगे। ठीक है, देखिए हमें और कॉलम्स की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, 2-3 मैंने कर लिया है जिससे और ले सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ऊपर 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे और इसमें मर्ज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लिख देते हैं टेबल, इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर देंगे, बोल्ड कर देंगे या थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं। और देखिए यहाँ पे हम कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं इसमें। ठीक है, इसको हम सेंटर पे करेंगे, सेंटर मिडिल पर करेंगे। फिर देखिए हम ये जो हमारा है बी, इसको हम यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ पे एच वाला भी देखिए हम पकड़ के, ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। और देखिए हम कंट्रोल के साथ यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन में लाना है, हमें कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे ऐसे, या फिर पहले हम बॉर्डर लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पूरा एरिया सेलेक्ट करेंगे, एक रो और एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देंगे, थिक बॉर्डर लगा देंगे जिससे पहचान में आता रहे। उसके बाद देखिए हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल को दाबे रहेंगे और यहाँ पे देखिए जो हमने 10 रोज़ के बाद एरिया बनाया हुआ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका हम कलर चेंज कर देंगे तो मैं इसमें हल्का ब्लैक कर देता हूँ, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। इसमें भी हम बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेस बन गया है। अभी हम
यहाँ पर एक्स लिखेंगे, कैपिटल में कैपिटल एक्स करेंगे, और उसके बाद इसको हम ड्रैग कर देंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई का चिन्ह बन जाएगा, इसलिए हमने एक्स बना दिया है। और यहाँ पर हम 1 2 करके लिख देंगे 10 times, जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम सिंबल लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू दबाएंगे तो हमारा जो है फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम सिंबल लगाएंगे, इसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ देखिए सिंबल पर जाएंगे, और यहाँ से इंसर्ट करेंगे सिंबल, और इसको हम कैंसिल करेंगे, और इसको हम देखिए इसको भी ड्रैग कर देंगे, और देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको, और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम देंगे जहाँ ये नंबर यहाँ पे जो इस सेल एड्रेस पर जो लिखें वो यहाँ पर आए, तो यहाँ पे हम देंगे इक्वल टू, और इस सेल एड्रेस का, इस सेल का एड्रेस देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है। अब इसमें देखिए हम F और 5 के बीच में F4 दबाएंगे, इससे हमारा क्या होगा, लॉक हो जाएगा ये, जैसे देखिए हम F4 कैंसिल कर देते हैं इसको हम, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, दिखाते हैं इक्वल टू सेल एड्रेस हमने लिया F5। ठीक है, अब हम और कहीं क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला लगने लगेगा, हट जाएगा, तो हम इसको लॉक कर देते हैं। कैसे लॉक करेंगे, इक्वल टू सेल एड्रेस F5, इसके बाद हम F और 5 के बीच में F4 प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे, हो गया 0। देखिए यहाँ पर मैं जो भी रखता हूँ 5, इंटर, देखो वहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 0, देखो 0 आ गया, इसको देखिए हम ड्रैग कर देते हैं, ये लॉक हो गया है, तो यही वाला आ जाएगा सब में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू ये इस सेल का एड्रेस मल्टीप्लाई इस सेल का एड्रेस, इंटर, इसको हम ड्रैग कर देंगे। ठीक है, देखिए सबको सेलेक्ट करेंगे और सेंटर पर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा टेबल क्रिएटर प्रोग्राम बनके तैयार है, इस पर हम लिखेंगे जैसे 5, इंटर करेंगे, देखिए 5 का टेबल आ गया, 2, इंटर करेंगे 2 का टेबल आ गया, तो देखिए ऐसे हम एक टेबल क्रिएटर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।